हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्राइजेज को देखने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के, बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश, रिपल, लिटकॉइन, डैशकॉइन और भी बहुत सारे कॉइन को देखने वाले हैं दोस्तों लाइव चार्ट पर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हूं और यहां पर मार्केट कैप फिर से डाउन आना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। कल ऑलमोस्ट मार्केट रिकवर हो चुका था, लेकिन दोस्तों फिर से मार्केट डाउन आ गया है। सोचा नहीं था ऐसा होगा दोस्तों। यहां पर एक आर्टिकल दिखाता हूं, ये आर्टिकल आज ही का है दोस्तों। यहां पर भी साफ साफ लिखा हुआ था कि मार्केट डाउन आने के बाद रिकवर हो रहा है और सभी चार्ट से यहां पर दिए हुए थे दोस्तों। मुझे भी लगा था मार्केट रिकवर हो जाएगा फुल्ली, लेकिन दोस्तों फिर से मार्केट डाउन आ गया है। अभी लाइव चार्ट पर देखते हैं दोस्तों कितना डाउन आ सकता है और हमें कहां कहां से एंट्री लेनी है दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैंने चार्ट खोल के रखा हुआ है दोस्तों। ये है बिटकॉइन का चार्ट, बीटीसी यूएसडीटी का, बिट्रेक्स का चार्ट है दोस्तों। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट पे एक वीडियो है दोस्तों, उसको देख लीजिए। यहां पर अकाउंट बनाइए, फ्री में किसी भी चार्ट के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मैंने यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डाला हुआ है दोस्तों। ये 4 घंटे का चार्ट है। देखिए दोस्तों, कल यहां पर मैंने एंट्री के लिए कहा था दोस्तों, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 15200 के बाद ही बेस्ट रहेगा एंट्री के लिए, क्योंकि दोस्तों कल बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि एंट्री ले, लेकिन मैंने आप सभी से कहा था दोस्तों 15200 के बाद ही एंट्री ले तो बेस्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों बिट्रेक्स पर मार्केट इतना ऊपर गया ही नहीं। यहां पर देखिए दोस्तों, जो हाई गया है मार्केट लगभग 14000, लगभग 15000 पर, ठीक है, उससे ऊपर नहीं गया दोस्तों। मैंने ये लेवल पहले से देके रखा है दोस्तों। ठीक है, आप जो है लेवल को इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, वो बहुत ही परफेक्ट होते हैं लेवल। ठीक है, इसी के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद दोस्तों फुल्ली अमाउंट के साथ नहीं दोस्तों, उसके बाद अगर आप फुल अमाउंट के साथ लेना चाहते हैं तो 17900 के बाद आप 19800 के लिए एंट्री ले सकते हैं दोस्तों। देखिए अभी का डाउन, यहां पर दोस्तों कल बुलिश था मार्केट, फिर से डाउन आ गया। लगा नहीं था दोस्तों इतना डाउन आएगा। मैंने जो लेवल दे रखा था पहले से सपोर्ट, वो ऑलमोस्ट दोस्तों यहां पर ब्रेक हो चुका है, कह सकते हैं नीचे की तरफ। अभी भी फुल्ली ब्रेक नहीं है दोस्तों। अभी जो मैंने डाउन का दिया है दोस्तों फिबोनाची के हिसाब से दोस्तों, ये है लगभग यहां पर देखिए दोस्तों 61.8 फिबोनाची गोल्डन रेशियो होता है दोस्तों, और ऑलमोस्ट इन दोनों रेशियो पे मार्केट रुकता है। अभी दोस्तों इसके बीच में मार्केट आई थिंक दोस्तों 10900 से डाउन नहीं आ पाएगा दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दो परफेक्ट सपोर्ट है और यहां से उठा तो दोस्तों आपकी एंट्री इसी के बाद होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद ही आप एंट्री लेंगे, क्योंकि ये लेवल बहुत ही परफेक्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये दो लेवल है, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। आप नीचे दोस्तों थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट के लिए लालच बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, आप बड़े लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों एक बार डैशकॉइन को। देखिए दोस्तों, डैशकॉइन में भी मैंने परफेक्ट लेवल दिए थे, आप सभी को पता होगा, क्योंकि दोस्तों ये बिट्रेक्स का चार्ट है। देखिए पोलोनिक्स का थोड़ा अलग होगा, बिट्रेक्स पोलोनिक्स का सेम होता है दोस्तों, और एक्सचेंजर पर अलग होगा, आप उसी हिसाब से देखिए। ठीक है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल डालने तो आते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, देख सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, और यहां से मैंने कहा था दोस्तों, जब मार्केट यहां से उठ रहा था, मैंने कहा था आप होल्ड करेंगे 1250 तक, कहा था पहले से, और दोस्तों ऑलमोस्ट मार्केट 1250 को छू के डाउन आया दोस्तों। और मैंने हमेशा कहा जो लेवल मैं देता हूं उसको छूते आपको निकल जाना है दोस्तों। ठीक है, छूते ही निकल जाना है, और मैंने यहां से कहा था दोस्तों 1250 का लेंगे, अगर उसके बाद जाता है ऊपर तो 1300 के बाद आप इंटर होंगे 1500 के लिए, मैंने पहले कहा था दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपने ऐसा किया होगा दोस्तों। अब नहीं किया है, आपने लालच किया है, तो दोस्तों अब मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ से मार्केट फिर से डाउन आ गया दोस्तों। अभी के लिए नीचे का सपोर्ट है आई थिंक मेरे हिसाब से 977 का है दोस्तों, जो मैंने पहले से दिया हुआ है। इसके नीचे मार्केट नहीं आया दोस्तों, यहाँ पर बैरिश बुलिश हो रहा है, लेकिन आपकी एंट्री अभी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास है, लॉस में है, तो बेसिकली होल्ड कीजिए दोस्तों। मैं लॉस में किसी को भी सेल करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि दोस्तों लॉस में सेल करना बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, और जो टॉप करेंसी है इनको लॉस में सेल करो तो दोस्तों बस उसको ट्रेडर ही नहीं कहा जाएगा एक किस्म से, तो क्योंकि दोस्तों टॉप करेंसियां कभी भी लॉस में सेल नहीं करनी हमें। ठीक है, और यहां पर दोस्तों फिर से हम मार्केट रिकवर होने का इंतजार करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप इसमें 1250 या 1300 के बाद ही आप 1500 का लेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए 13 के बाद ही 15 का, और यहां पर थोड़ा बहुत तो रिस्की रहेगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट दोबारा नीचे आया है तो थोड़ा बहुत रहेगा। ठीक है, अभी है तो होल्ड कीजिए दोस्तों, लॉस में नहीं है तो निकल सकते हैं, अगर लॉस में है और थोड़े बहुत प्रॉफिट में है तो दोस्तों टिके रहिए मार्केट में। ठीक है, टिके रहिए, कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं एक और हम बीसीसी को, और ये है दोस्तों बीसीसी का चार्ट, आप बीसीएच भी कह सकते हैं। और मैंने यहां पर आप सभी से कहा था दोस्तों, जब यहां पर देखिए ये 2300 के नीचे था मार्केट, मैंने कहा था आप लेंगे इसमें 2750 के बाद 3130 का। ठीक है, मैंने कहा था दोस्तों, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, जो लेवल मैं देता हूं उसको छूते आपको निकल जाना है, और दोस्तों 2750 के बाद सीधा गया है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं 3130 पे, और दोस्तों यहां पर परफेक्ट छुआ है, यहां से मार्केट डाउन आ गया दोस्तों। और नीचे का अभी के लिए सपोर्ट है दोस्तों 2300 का, जो मैंने
पहले से दिया था, अब इससे नीचे मार्केट नहीं आया दोस्तों, अभी चांसेस कम है नीचे आए। लेकिन दोस्तों बीसीसी के ऊपर वॉल्यूम कम हो गया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप बोलिंजर बैंड को देखोगे तो दोस्तों इसमें स्पेस कितना था, देखिए एक बैंड इतना ऊपर था और एक बैंड इतना नीचे था, लेकिन इसमें अभी देखिए दोस्तों बैंड एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो यहाँ से वॉल्यूम कम पड़ गया है दोस्तों। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों, 3130 के बाद ही आप जो है लगभग 3990 का लेंगे दोस्तों इसके बाद, ठीक है। ऊपर फुल्ली ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बीसीसी के ऊपर इसके बाद देखते हैं दोस्तों और करेंसियों को, यहाँ पर हमारा बीसीसी और रिपेल को देखते हैं दोस्तों, एक्सआरपी को, ठीक है। और एक्सआरपी को बिटकॉइन और डॉलर में दोनों में देखना पड़ेगा दोस्तों, कोई कहते हैं बिटकॉइन में, कोई कहता है डॉलर में, ठीक है। चलो दोनों में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने डॉलर का पहले डॉलर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम बिटकॉइन के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने जो है आपको पहले से लेवल दे के रखे थे, मैंने कहा था दोस्तों 0.1686 क्रॉस होते आपको एक डॉलर का लेना है, और दोस्तों मार्केट गया 1.2 डॉलर, और यहाँ से मार्केट डाउन आ गया था दोस्तों, ठीक है। और जो अभी का सपोर्ट था दोस्तों 95 का, मैंने पहले भी कहा है दोस्तों 95 का तो सपोर्ट नहीं काम करेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे का जो अभी का सपोर्ट है वो 0.886 डॉलर का सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। अभी वॉल्यूम इस पर भी कम हो गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड के बैंड अंदर की तरफ आ गए दोस्तों, थोड़ा बहुत इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप इसमें 0.95 के बाद ही एंट्री लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। 0.95 अगर आप फुल्ली एंट्री लेना चाहते हैं अच्छे से तो दोस्तों 1.2 डॉलर ब्रेकआउट होने के बाद आप ले सकते हैं 1.5 डॉलर का, ठीक है। ध्यान से लेवल को ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बस यही है इसके ऊपर, अभी इससे भी डाउन आया तो मेरे हिसाब से मेरा परफेक्ट सपोर्ट है दोस्तों 0.7 डॉलर में, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों इसको बिटकॉइन में देखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन में अलग होगा दोस्तों इसका, और ये तो डॉलर में था। तो दोस्तों ये है XRP BTC में, और मैंने आप सभी से कहा था दोस्तों 5330 के बाद आप ले सकते हैं 62 का, उसके बाद मैंने कहा था 8000 का लीजिए, और दोस्तों मार्केट गया है लगभग 8600, और मैंने हमेशा कहा है ऊपर वाले लेवल को छूते आपको निकलना है, और दोस्तों आई होप कि आप निकल गए होंगे। उसके बाद डाउन आया दोस्तों, देखिए XRP का हमेशा अच्छा रहा दोस्तों, जितना होल्ड कर सकते उतना होल्ड कीजिए, अभी मार्केट बुलिश है, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम कम हो गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड का यहाँ पर इतना ऊपर था बैंड, और यहाँ से मुड़ के यहाँ पर आ गया, और नीचे का बैंड यहाँ पर जा रहा है, तो दोस्तों अब ना ही ऊपर ना ही नीचे, अभी का तो दोस्तों इसी बीच में घूमने वाला है। प्राइस अगर थोड़ी देर बाद इंक्रीज हो गया वो अलग बात है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली होल्ड करके रखिए दोस्तों, लॉस में नहीं जाएंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा होल्ड कीजिए। ये जो है XRP का प्राइस हमेशा अच्छा रहा है और दोस्तों अच्छा ही रहेगा, ठीक है। और नीचे वाले सपोर्ट से यहां पर है दोस्तों, ऊपर वाला यहां पर है, ठीक है। मैंने सब कुछ देके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। ये दोस्तों इथेरियम का, और मैंने इथेरियम का भी सेम कहा था, कल इसके नीचे था मार्केट, और मैंने कहा था कि 740 के बाद आप 840 का ले सकते हैं, लेकिन यहां पर फुल्ली नहीं रहेगा दोस्तों, आप जो इंटर होंगे 840 के बाद 995 के लिए, ठीक है, 995 डॉलर के लिए, मैंने पहले कहा था दोस्तों। अभी मार्केट पूरा डाउन है दोस्तों, अभी वेट करेंगे हम ऊपर आने का। और दोस्तों अभी का जो सपोर्ट है दोस्तों, यहां पर देखिए पहले तो इसी सपोर्ट पे रुका था, अभी इसी सपोर्ट पे दोस्तों, लेकिन लो नीचे है, अभी मार्केट कुछ कहना मुश्किल है दोस्तों। नीचे का जो सपोर्ट है वो 485 का रहेगा, और मैंने आपको पहले निकलने के लिए कहा था दोस्तों, जब भी मैं सपोर्ट लेवल देता हूं कोई अच्छा सा सपोर्ट जो टूट जाता है दोस्तों आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। और यहां पर मैंने पहले से देकर रखा हुआ है दोस्तों, अभी की बात नहीं है, और आप इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद लंबा ले सकते हैं, नहीं तो 740 के बाद 840 तक का इस बीच में ले सकते हैं, लेकिन आप फुल्ली थोड़ा बहुत केयरफुल रहिए दोस्तों इस बीच में, क्योंकि जो है पिछली बार भी यहां पर घुमा है तो अप डाउन हो सकता है दोस्तों। आप इसी के बाद 840 के बाद 995 का ले सकते हैं इसमें। ये दोस्तों लेटकॉइन का बिट्रेक्स का चार्ट है, ठीक है। और USDT में दोस्तों ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन दी थी यहाँ पर, और मैंने कहा था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे मार्केट आपको निकल जाना है, जो था दोस्तों 330 का था। आई होप कि आप निकल गए होंगे दोस्तों, इसके बाद मार्केट पूरा डाउन है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों अभी घुसने के लिए। और यहाँ पर दोस्तों 292 को भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मार्केट फिर से डाउन है दोस्तों। फिर जो है 230 पर जो है दोस्तों सपोर्ट ले रहा है मार्केट, हम एंटर होंगे दोस्तों इसके बाद 330 के बाद आप 373 का ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्की रहेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो 373 के बाद आप 400 का मेरे हिसाब से, और मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से आप 500 तक का ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम वॉल्यूम चेक करेंगे, उसी के साथ ही घुसेंगे। ये दोस्तों BTG का, और यहाँ पर देखिए मैंने एक सपोर्ट दिया था, पहले भी मैंने कहा हुआ है दोस्तों 215 के नीचे नहीं आ पाएगा मार्केट, क्योंकि दोस्तों ये 215 जो है अब तक का सपोर्ट है दोस्तों, इससे नीचे कभी मार्केट आया ही नहीं है, तो चांसेस बहुत ही
कम इससे नीचे आए मार्केट, और इससे नीचे आया तो कितना नीचे आएगा मुझे नहीं पता। और दोस्तों यहाँ पर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर बाई कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर, और आपको आई होप कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिला है इसमें से। अभी दोस्तों मैं कहूंगा आपको लगभग 35 के बाद ही आप 400 का लेंगे, और 400 के बाद आप लगभग 445 दोस्तों 400 या 445 के बाद देखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम कैसा होगा दोस्तों, उसी के हिसाब से हम आगे का लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आगे का कुछ नहीं है दोस्तों, आप 335 के बाद लगभग 400 तक का ऊपर ले सकते हो दोस्तों, लेकिन अभी मार्केट रिकवर होने में टाइम लगाएगा दोस्तों, अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि पूरा मार्केट डाउन है दोस्तों, अभी इस कंडीशन में मार्केट में घुसना सही नहीं रहेगा। यह दोस्तों SC कॉइन का चार्ट, और मैंने यहाँ पर आपको एंट्री के लिए कहा था दोस्तों 135 सतोशी पे, और मैंने लेवल से दिए थे लगभग 195 उसके बाद 200 का, और कल भी यहाँ पर मार्केट था दोस्तों ऑलमोस्ट गया 200 के ऊपर, और मैंने कहा था इसके ऊपर बाद में दूंगा दोस्तों अभी भी। ठीक है, इसके ऊपर जो हाई बना गया है 235 को, देखिए दोस्तों इसको अभी ब्रेकआउट होने दीजिए। ठीक है, अगर आप मार्केट में है तो निकल जाइए। ठीक है, अभी क्योंकि हम इसके ब्रेकआउट के बाद दोबारा इंटर होंगे दोस्तों, ये पता है सही होता है दोस्तों, जैसे एक लेवल टूटता है उसके बाद हम अगर इंटर हो तो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर इसके बीच में घुस गए पता नहीं यहाँ से मार्केट डाउन आएगा या ऊपर जाएगा दोस्तों, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। देखिए आई थिंक सपोर्ट पे रुकता है दोस्तों, लेकिन हर बार नहीं रुकता है। अभी के लिए जो सपोर्ट है दोस्तों 200 और 195 का एक जोन रहेगा दोस्तों यहाँ पर, हम क्योंकि हमने पहले से लेवल दे के रखे हैं, और दोस्तों हम दोबारा लेंगे लगभग 235 के ऊपर दोस्तों। अभी मार्केट पूरा डाउन आ रहा है तो मैं आगे के लेवल नहीं दूंगा दोस्तों। ठीक है, प्लीज अगर इसके ऊपर जाता है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके लीजिए दोस्तों, और जैसे आपको लगे कि मार्केट डाउन आ रहा है आप निकल जाइए दोस्तों मार्केट से, और नीचे का उसके बाद का सपोर्ट 235 का ही रहेगा दोस्तों। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट ले लेता है मार्केट, उसके बाद का सपोर्ट यही काम करेगा जो अभी का रेजिस्टेंस है दोस्तों, बाद में वो सपोर्ट बन जाता है। देखिए दोस्तों NXT कोइन को लेकर भी अभी तक कमेंट आ रहे हैं, मैंने कहा है दोस्तों NXT कोइन को बाय किया है, अगर आप बिट्रेक्स पर है या HitBTC पर है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि दोस्तों 28 तारीख को आपको फ्री में एक दूसरा कोइन मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, जितना भी अप डाउन हो दोस्तों उससे आपका जो है प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तो मार्केट बुलिश है, मैंने यहाँ पर इंटर होने के लिए कहा था, उसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि 11,000 उसके बाद 12 गया तो 13,200 का रहेगा, और दोस्तों ऑलमोस्ट मार्केट जो हाई बना गया है वो लगभग 14,800 का बना गया है दोस्तों। आई होप कि आप इस बीच में निकल गए होंगे, अभी भी है तो होल्ड कीजिए दोस्तों, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी नीचे का सपोर्ट जो है 11,500 का रहेगा दोस्तों, उससे डाउन आया तो आई थिंक ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ से ऊपर ले जाओगे तो दोस्तों ये भी अभी के लिए सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये लेवल ये सपोर्ट का होगा दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर भी इतने दोस्तों, आई होप कि हमने सारे कॉइन्स देख लिए हैं, आज रिक्वेस्टेड कॉइन आई थिंक नहीं थे दोस्तों। देखिए इथेरियम क्लासिक को आपने बाय किया है तो दोस्तों होल्ड कीजिए, ठीक है, इसको प्लीज होल्ड कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और इसके बाद न्यू कॉइन दोस्तों ऑलमोस्ट अच्छा रहा है, इसके अंदर की जो टीम है दोस्तों वो भी अच्छी है, और चाइनीज है दोस्तों टीम, तो उसके बाद दोस्तों टीम अच्छी लगी मुझे, मैंने देखा था इसको। और यहाँ पर दोस्तों ये लगभग अभी की तो नहीं दोस्तों, बाद में लगभग $100 तक जाएगा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉइन है, अगर आप इसमें लॉस में है न्यू कॉइन में तो प्लीज इसको भी होल्ड कीजिए दोस्तों, लॉन्ग के लिए कहूंगा दोस्तों, शॉर्ट में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर लॉन्ग में, क्योंकि रैंकिंग अच्छी है दोस्तों। मैंने हमेशा कहा है जो 30 रैंकिंग के अंदर है कॉइन दोस्तों, उनमें आप लॉस में नहीं जाएंगे कभी भी, हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा अप डाउन होता है, तो उसमें हमें ज्यादा घबराना नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर बस यही है दोस्तों अभी के अपडेट, आई होप कि आपको सभी के अपडेट मिल गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार XBG कोइन को देख लेते हैं दोस्तों, इसको लेकर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। ये दोस्तों XBG का, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फुल्ली तो नहीं किया हुआ, लेकिन दोस्तों अभी मैं टॉप पर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट जो है दोस्तों एकदम से भागा है XBG का, आप सभी को पता है, और दोस्तों यहाँ से ऊपर गया है। अभी के लिए मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दे देता हूँ। देखिए दोस्तों ये लेवल है लगभग 19, आप 2000 का ले सकते हैं। ठीक है, 50 सतोशी ऊपर लीजिए वो बेटर रहेगा दोस्तों। ठीक है, आप ले सकते हैं 1950 सतोशी के, अगर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों आप 2470 का ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों ये ऑल टाइम हाई में करेंसी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी करेंसी जब भी ऑल टाइम हाई में होती है थोड़ा बहुत रिस्की होता है दोस्तों, शायद इस लेवल तक ना पहुंचे आप जो 150 सतोशी ऊपर नीचे होके निकल सकते हैं दोस्तों। और ऑलमोस्ट जैसे लगभग 1950 या 2000 के ऊपर जाएगा दोस्तों मार्केट, यहां पर बुलिश दिख जाएगा आप सभी को। अभी तो थोड़ा डाउन का मूवमेंट लग रहा है मुझे दोस्तों, क्योंकि यहां पर देखिए इंस्टाग्राम नीचे की तरफ है, और यहां पर RSI को देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट ओवर बाउंस जोन में है, तो दोस्तों RSI को एक बार नीचे ऊपर
तो नीचे का सपोर्ट जो रहेगा दोस्तों 1470 का है, इस बीच में आई थिंक सपोर्ट नहीं है दोस्तों। उसके बाद का जो सपोर्ट मिलेगा मेरे हिसाब से जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है दोस्तों वो मिलेगा लगभग 1170 में, सॉरी दोस्तों 1170 में। उसके बाद का सपोर्ट है दोस्तों जो परफेक्ट सपोर्ट है लगभग 1087 का, और इससे मुझे नहीं लगता इससे डाउन आ पाएगा क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ इसका भी। अभी के लिए परफेक्ट जो सपोर्ट का काम करेगा वो लगभग 1470 का है दोस्तों। आपकी एंट्री तभी होगी अगर आप इंटर है पहले से, होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों इस सपोर्ट तक। अगर आपकी एंट्री नहीं हुई है तो आप इंटर करना चाहते हैं अगर अच्छा लगता है, अगर किसी और को इनमें है तो दोस्तों उसमें से एग्जिट होगी, इसमें मत आइए ठीक है। अगर इसमें एंट्री होना चाहते हैं तो लगभग 2087 के ऊपर आप 2400 के लिए ले सकते हैं दोस्तों। ऑल टाइम हाई में दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिस्की भी रहेगा, आप अपने हिसाब से लीजिए ठीक है। और जो मैंने लेवल देने थे वो दे दिया हूँ दोस्तों, और यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत करके ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों, मार्केट इसका ऑल टाइम हाई पर है दोस्तों ठीक है। अब इसमें इतने दोस्तों मैंने इसमें लेवल दे दिए ऊपर नीचे के, उसी हिसाब से काम कीजिए दोस्तों, इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं दे सकता। और एक कमेंट मिला था दोस्तों आज मुझे, और उन्होंने लिखा हुआ था, हमारे कोई व्यूअर है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने लिखा था कि आपकी एनालिसिस हमेशा गलत होती है और कि जो भी आप बताते हैं वैसा मार्केट कभी होता नहीं। देखिए दोस्तों, जब से मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया हमारे चैनल पे और तब से लेकर अभी तक केवल दो कमेंट्स है, एक आज एक मैंने पहले आपको बताया था, केवल दो कमेंट ऐसे मिले हैं जो बैड है दोस्तों, बैड भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मेरी एनालिसिस गलत होती है। लेकिन दोस्तों जो भी ऐसा कहते हैं, प्लीज़ अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा है और आप डिसलाइक करते हैं वीडियो को, तो दोस्तों नीचे रीज़न ज़रूर दे कि मतलब किस चार्ट पर आपको गलती दिखी या सारे चार्ट गलत है, कुछ भी दोस्तों मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, और जो भी मुझसे गलती हुई है उसको सुधारने का मौका दे मुझे भी। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, खाली डिसलाइक करेंगे और ऐसा लिख के छोड़ देंगे तो दोस्तों मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं ठीक है। तो ये सब लिख के दे मुझे ताकि मुझे पता चले दोस्तों। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। अगर किसी कॉइन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए जो रैंकिंग में है, जो मैंने आप सुबह की वीडियो में बताया टॉप 30 के अंदर या उसके बात की जो अच्छी करेंसी है उनके बारे में बताइए, मैं बता सकता हूं दोस्तों ठीक है। अब जो रैंकिंग में नहीं है उनके ऊपर देखिए अंधेरे में तीर छोड़ने जैसा हो जाता है, मैं बार बार ये कहता हूं दोस्तों ठीक है। और वहां पर लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, इससे अच्छा है दोस्तों कम मिले लेकिन ट्रस्टेड तरीके से मिले हम सभी को ठीक है दोस्तों। अभी के लिए चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बाय।